वेलकम टू SH डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी का जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है AASR अगस्त 2021 बैच के, उस नोटिफिकेशन की A to Z जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आया ना 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है ना बोल रहे थे कि नहीं फेक है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में इस तरह इंस्ट्रक्शन था कि 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस बार। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का भी डेट निकाल दिया गया है 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक। और इसमें जो एग्जामिनेशन इस बार होगा ना ऑफलाइन मोड में होगा, एग्जाम और PFT सेम डे पे होगा। फ्रेंड्स, इस बार ना इंडियन नेवी ने सारे हद को पार कर दिया है। मतलब उनको जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ना उनके फीलिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचता था ना पहले ये जो मंत्री लोग हैं ना उनको कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं फौज लाइन को इतना दिल से मानता हूँ ना, मैं सोचता था कि फौज लाइन में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, उनके सोच बहुत अच्छे अच्छे हैं। कैसा सोच है भाई साहब, नोटिफिकेशन में आपने लिख दिया है कि 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कोरोना के चलते। क्या कोरोना भाई साहब, 10,000 को बुलाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, उससे ज़्यादा बुलाएंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा वहाँ पर बच्चों को। कहता है मैं जो नीचे टैगलाइन लिखा हो ना कि जितना मौत कोरोना से नहीं होगा उतना ये इंडियन नेवी के नोटिफिकेशन से हो जाएगा, देख लीजिएगा आप सब। मैं सच बताता हूँ, मैं इंडियन नेवी के जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में सुधार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गलती किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। लड़कों के फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। कैसा है भाई साहब, 1.5 साल के बाद ये नोटिफिकेशन आया है। आपको ऐसा कुछ करना, मतलब ऐसा नोटिफिकेशन दे देना था कि 10,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो ऐसे पहले ही मतलब बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था। नहीं तैयारी करता लड़का, 1.5 साल से लगा हुआ है यार। मैं बिहार से हूँ, पटना में रहकर देखा हूँ कि जो यहाँ पर गरीबी इतना है ना क्या बताऊँ। लेकिन एक गरीब किसान के जो होता है ना किसान, वो अपने बेटों को भेजा है कि 1.5 साल से कि जब पढ़ो इंडियन नेवी का तैयारी करो वहाँ पर। लड़के भी जो अपने इंडियन नेवी के अलावा और किसी भी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा लगाव हो गया है 1.5 साल से। लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के बाद वो क्या सोचेंगे, मतलब हद है यार। जितने कोरोना से मौत हो जाता है ना तो उसमें शांति मिल जाएगा आत्मा को, लेकिन ये साला नोटिफिकेशन ऐसा है ना कि इसमें साला मौत होने के बाद भी साला शांति नहीं मिलेगा आत्मा को। तो भाई जितने भी भाई है, प्लीज़ भाई इसको इतना शेयर करो ना कि ये इंडियन नेवी वाले के पास जाए, उनको सोचने पर। बोलते यार कैसे बोलते हैं कि इतने अच्छे अच्छे सोच वाले हैं उसमें, कैसा सोच 10,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे तो आपको कोरोना मतलब वहाँ पर नहीं होगा, 10,000 से ज़्यादा बुला लेंगे तो कोरोना हो जाएगा। अरे भाई एग्जामिनेशन जो एक सप्ताह में होता है उसे 7 महीने में कराइए, लेकिन सबको मौका दीजिए करने के लिए। आपने 4 साल पहले ऑनलाइन ले रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब सबको चांस मिल रहा था। क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिसका 50% होता है वो पढ़ने में तेज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भाई कि मतलब 50% बिहार में 70% आ जाना ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो बिहार का तो किसी को मौका नहीं मिलेगा, बिहार में जो CBSE बोर्ड से दिया होगा उसी को तो मौका मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। मैं जो बात है रियली बोल रहा हूँ भाई साहब, कैसा मतलब हद हो गया। मतलब मैं दिल से मानता था फौज लाइन को, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे सोच है, अच्छे अच्छे मतलब जो भी निर्णय लेंगे अच्छे तरीके से लेंगे। कैसा ये तो नेता के जैसा सोच रहे हैं भाई साहब, सेम उसी तरह सोच रहे हैं। मतलब हद हो गया यार, क्या नोटिफिकेशन के बारे में बोलो, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। अब जो पहले जैसा नियम लगा दिया गया, मतलब ये किस दुनिया में चल रहे हैं, सारी दुनिया डेवलप कर रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहा है। अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऑफलाइन एग्जाम ले लो, ठीक है ऑफलाइन लो, लेकिन सारे कैंडिडेट को मौका दो। जो एग्जाम 7 दिन में आपका 1 महीना में कंडक्ट कराएंगे उसको 3 महीना 6 महीना लीजिए, लेकिन सबको मौका दीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट कॉम से जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ वहाँ पर डिटेल्स लिखा गया है। अब मैं कुछ पढ़ के ये नहीं बताऊँगा कि क्या क्या लिखा गया, आप सभी खुद पढ़ सकते हैं। डेट इसमें जो डेट जिन कैंडिडेट का डेट 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में है और दोनों डेट है इंक्लूडेड है वो भर सकते हैं। तो क्या मतलब यहाँ पर यही होगा ना कि जो बिहार में तो हमारे कल से जो ऐसे नॉर्मली लगभग 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका 70 से कम ही परसेंटेज होगा, तो मतलब बिहार वाले तो कुछ होगा नहीं। बाकी और भी स्टेट है जहाँ पर बहुत कम परसेंटेज है, उनको कुछ नहीं मौका मिलेगा, सारे CBSE वाले जाएंगे। और CBSE वाले बहुत तेज हैं, जाओ भाई मतलब कोई बात नहीं, जो भी कैंडिडेट को मौका मिल रहा है वो सब जाएँ, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक जाएंगे, कुछ कोई बात नहीं। लेकिन ये इंडियन नेवी ने काफ़ी धोखा दिया है बच्चों के साथ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने लायक मतलब ये इंडियन नेवी के बारे में मतलब क्या कुछ भी नहीं, छोड़ो यार। मतलब एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी, ये शेयर करो जितना मन जहाँ मन वहाँ शेयर करो।